यम्मी एंड टेस्टी साबुदाने की गर्मा गर्म खीर। ये बनाना है बहुत ही आसान, तो चलती हूँ झटपट से किचन में और बताती हूँ इसकी सारे टिप्स। हेलो दोस्तों, आज मैं साबुदाने की खीर बना रही हूँ, तो सोची कि अपने दोस्तों से शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम लगभग साबुदाना ले ली हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और मैंने गैस ऑन करके एक बर्तन में 1 लीटर लगभग दूध, साबुदाना भिगोए में 5 मिनट हो चुके हैं, दूध से भी उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें साबुदाने को डाल दूँगी। और इसे चलाते रहूंगी। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दूंगी। सो इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए मेरी साबुदाने आधी पक चुकी है। अब मैं इसमें एक इलायची को कूट ली थी उसे डाल दूंगी और इसे मिलाऊंगी। मैं इसमें हल्की सी ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना ही डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी है तो मैं डाल देती हूँ और मिलाऊंगी और थोड़ी देर चीनी डालने के बाद पकाऊंगी इसे। इसके किनारे में जितनी सारी मलाई लगी हुई है मैं इसे हटा लूँगी। सो ये देखिए साबुदाने की खीर बनके रेडी है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इसे एक कटोरे में परोसूंगी। सो ये देखिए दोस्तों गर्मा गर्म टेस्टी एंड यम्मी साबुदाने की खीर। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।